अरमीज भाई, 29 साल से जो स्टोरी है, हम यही बात करते चले जा रहे हैं। अच्छा आखिर भाई, एक दूसरी चीज़, हम हमेशा हर चीज़ में रिलेट करते हैं अपने आप को भारत में। भारत ने बड़ी शानदार हमेशा ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्मेंस दी। दैट इज द ओनली साइड जिसने लास्ट 2 डेकेड के अंदर इधर सीरीज ड्रॉ भी की हुई है, जीती भी हुई है। बाकी टीम्स भारत को ले लें, वो एडजस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाउंस के ऊपर बाउंसर को अच्छा खेल रहे हैं, मूवमेंट को अच्छा खेल रहे हैं, क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं बैट और बॉल के साथ। 3-0 से हारे हैं जी, फाइट फॉर तीन मैच से तीनों आते तो लेकिन हम आज से पहले कभी जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, इस दफा सीरीज कभी तो इस दफा फिर हम मैचेस जीते सीरीज, मतलब दिस वाज काइंड ऑफ नहीं, बट फिर भी जब भी जाते हैं हमारा दिल करता है जीत के। ये चोकर्स टीम की हालत है, ये टीम ये भैन के टके हिंदुस्तान के ऊपर हंस रहे थे, हा हा हा, 153 पे 5 आउट थे, 153 पे जो है ऑल आउट हो गए, अपनी हालत देखो इनकी। अच्छा अखिल भाई, एक दूसरी चीज, हम हमेशा हर चीज में रिलेट करते हैं अपने आप को भारत में। भारत ने बड़ी शानदार हमेशा ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्मेंस दी। दैट इज द ओनली साइड जिसने लास्ट 2 डेकेड के अंदर इधर सीरीज ड्रॉ भी की हुई है, जीती भी हुई है। साउथ अफ्रीका में प्रॉब्ली वो कभी नहीं जीत पाए, बट इस दफा उन्होंने सीरीज ड्रॉ की। पहला बुरी तरह वो मैच हारे, एक एक कहना चाहिए एक इनिंग्स और कुछ रन से हारे, और सेकंड में इतना अच्छा कमबैक उन्होंने किया, उन्होंने शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर एक टेस्ट मैच जीता है। ऑलमोस्ट 1.5 दिन के अंदर मैच खत्म हो गया और उन्होंने विक्ट्री हासिल की। बट ये बहुत बड़ी उनके बॉलर्स की कामयाबी है। बुमराह की बात करें, 6 वो आउट करे, पहली इनिंग्स में सराज आउट करे, तो ये भारत की जो सक्सेस और ये एटलीस्ट कंटिन्यूटी है उनकी टीम के अंदर कि वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करें, बाहर जाके भी परफॉर्म करते हैं। आप वही देख लें कि जो टीम आपको अच्छा खेलता नजर आती है उसकी एक तो कंसिस्टेंसी है सिलेक्शन के अंदर, कैप्टेंसी के अंदर, और ऐसे और तो मुझे कोई दूसरा रास्ता तो नजर आता नहीं, कुछ भी नहीं होगा, मुझे तो कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। अरमीज भाई, 29 साल से जो स्टोरी है, हम यही बात करते चले जा रहे हैं कि काफी कुछ चेंज होता गया, बट वो समहाउ ये जो रिजल्ट है ये चेंज नहीं हो रहा। ये लड़के 3-4 साल से कंसेक्यूटिव खेल रहे थे, बट अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो कोई सेंचुरी नहीं बना पाता। बाबर आजम पे बहुत ज्यादा हम फोकस कर रहे थे कि हमारा बैकबोन है, पिलर है, वो 22 की एवरेज के साथ 50 नहीं कर पाए पूरे पूरे तीनों मैचेस की सीरीज में। 15 कैचेस हमने स्लिप में छोड़ दिए, या ओवरऑल वो स्किल लेवल में हमसे बहुत बड़ी साइड है कि पाकिस्तान उसको कम्पीट कर ही नहीं सकती थी, यही रिजल्ट एक्सपेक्टेड था। देखिए, मोटी मोटी मुझे ऐसा लगता है 3 चीजें हैं। एक तो मेंटल ब्लॉक है, टेम्परमेंटल इश्यूज हैं, स्किल लेवल का भी फर्क है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी टीम्स भारत को ले लें, वो एडजस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाउंस के ऊपर बाउंसर को अच्छा खेल रहे हैं, मूवमेंट को अच्छा खेल रहे हैं, क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं बैट और बॉल के साथ। नया कप्तान आ गया, कोचिंग स्टाफ नया है, वो 15-17 बंदे साथ गए होते हैं। मुझे तो एक आज तक ये समझ नहीं आई है कि इतना हम लश्कर का लश्कर क्यों भिजवा देते हैं, क्योंकि क्रिकेटर को अपनी स्पेस चाहिए होती है ड्रेसिंग रूम में, जब वो आउट होकर आता है या जब वो बॉलिंग करके आता है, वहां पे अगर वो 10-12 आदमी उस ड्रेसिंग रूम में घुसे हुए हैं तो आपको कैसे पीस ऑफ माइंड मिल सकता है, कैसे आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने फेलियर्स पे या सक्सेस के ऊपर। अच्छा, आपकी फील्डिंग बहुत बेहतर होनी चाहिए, आपने अभी बताया कि कितने कैचेस छोड़नी है, तो इस तरह से टेस्ट क्रिकेट में आप नहीं जीत सकते हैं। तो भाई हारना तो वैसे भी था पड़ोसियों को, ये चोकर्स टीम की हालत है, ये टीम ये भैन के टके हिंदुस्तान के ऊपर हंस रहे थे, हा हा हा, 153 पे 5 आउट थे, 153 पे जो है ऑल आउट हो गए, अपनी हालत देखो इनकी। पिछले 30 साल से ट्रक में जाके रगड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एक भी मैच नहीं जीत पाए, एक टेस्ट मैच नहीं जीत पाए, ये इनकी औकात रही। ये बोलते हैं हम दुनिया के नंबर 1 टीम है, तो कौन सी नंबर 1 टीम भाई, बड़ी टीमों से तो तुम लोग जीत नहीं सकते हो। 15-0 पे ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहे हो, 8-0 पे हिंदुस्तान के साथ चल रहे हो, पर तुम्हारी औकात है जिम्बाब्वे जाके खेलना। तो मैंने कहा यार आज तो मैच था, ये तो सुबह सुबह जलील हो गए हैं, मैं देख लेता हूँ क्या हो गया, मैं देख लू इतना सन्नाटा, हमें समझ गया कि ऑस्ट्रेलिया ने घुसा दिया, पाकिस्तान के अंदर घुसा दिया। लेकिन जब मैं नींद से उठता हूँ ना, सबसे पहले सोशल मीडिया चेक करता हूँ, चेक करते ही मुझे पता चल, जब सन्नाटा होता है ना मैं समझ जाता हूँ पड़ोसी के अंदर घुसा हुआ है। बड़े बेगारत लोग हो यार, बड़े कंजर के बच्चे हो। हिंदुस्तान जीतता भी है, 55 पे ऑल आउट करता भी है, तुम ट्रोल करते हो हिंदुस्तान को। अफगानिस्तान सीरीज जीतता भी है यूएई से, तुम लोग ट्रोल करते हो अफगानिस्तान को, लेकिन खुद की अम्मा की इतनी पटी हुई है उस पे वीडियो नहीं बनाओगे। सारे अंडरग्राउंड हो गए बेगरत के बच्चे। अब आओ ना बनाओ मीम्स, देखता हूँ कैसे मीम्स बनाते हो, मीम्स बनाओगे ये ले लो मेरा। इश्क में न प्यार में, इश्क में न प्यार में जो मजा है, बहन के टको के हार भाई। जमीन कोई सी भी हो, देश कोई सा भी हो, बस टीम पाकिस्तान की होनी चाहिए, हार पक्की है भाई। अपने देश में किसी से जीत पा रहे न दूसरे के देश में जीत पा रहे, और फिर बोलते हैं बॉल में चिप्स लगी, चिप्स लाला तो यार तुम लोगों के ऊपर, तुम्हारी टीम के ऊपर, चोकर्स टीम है तुम्हारी, तुम्हारे अंदर दम ही नहीं है, तुम्हें अपने गुरूर ने ऐसा कर दिया, तुम्हारी टीम कचरा हो गई है, तुम्हारी औकात अब जीतने की नहीं है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द
तुम्हारी हालत वेस्ट इंडीज से बदतर होने वाली है, और ऐसा टाइम आएगा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो लोग उगांडा की टीम की नजर से देखेंगे, यही हालत तुम्हारी होने वाली है। और जरा T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने दो, ऐसा घुसाएंगे तुम्हारे अंदर, कनाडा अमेरिका भी तुमसे जीतेगा। पाकिस्तान 17 एल, मतलब हम 17 एल ले चुके हैं पिछले कितने सालों में, पिछले 1996 से लेके अभी तक हम 17 एल ले चुके हैं, और हाल ही नरीने पेट एल पे एल लिए जा रहे हैं, नरीने पेट हम एल ले रहे हैं, इतने हमें एल लेने का शौक है उधर ऑस्ट्रेलिया में, पास एल खत्म हो चुके हैं। ये 2-3 एल उन्होंने अपने साथ वाले मुल्क न्यूजीलैंड से मंगवाए हैं कि उन्हें हमें 2-3 एल दो, हमें हमारे पास एल खत्म है, ये पाकिस्तानी टीम को देने हैं। ये नरीने पेट एल लेते हैं, ना पानी के साथ लेते हैं, ना दूध के साथ लेते हैं, ये हौसले के साथ लेते हैं भाई। मतलब शर्म कर लो थोड़ी सी, क्रिकेट का मजाक बनवा दिया है, 3-0 हार के आ रहे हो, व्हाइट वॉश करवा के, और चेहरे के ऊपर डीट है, डीटेड है, स्माइल पास कर रहे हो जिस तरह की आपने 3-0 ऑस्ट्रेलिया को मारा है। शर्म कर लो थोड़ी सी, कोई आपकी क्रिकेट की सेंस नजर नहीं आती। वो मोहम्मद हफीज है वो टीम डायरेक्टर, भाई तू प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बैठा है, तू बात कर, तू हरा क्यों है? उधर ज्ञान पहला इसने शुरू कर दिया है कि जी ICC जितना शेयर इंडिया को देता है उतना हमें भी दे, ICC जितना शेयर ऑस्ट्रेलिया को देता है हमें भी दे। तू कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB को कितने ICC को कितने पैसे देता है जो ICC रिटर्न में इनको दे? और भाई ये तो लेते हैं, बल्कि देते तो है कुछ नहीं। क्या क्या औकात है आपकी? आपसे बेहतर तो इंडिया यार कई गुना बेहतर है, उनकी टीम जाती है ना, इंडिया की टीम पाकिस्तान की क्रिकेट से इंडिया की क्रिकेट बेहतर है, उनकी टीम जब भी ऑस्ट्रेलिया जाती है 2018 में गई है हरा के आई है, 20 में गई है हरा के आई है। वो भी देखो आप उस दिन खुश हो रहे थे बड़े, इंडिया जी पहला मैच हार गया साउथ अफ्रीका में, ये व्हाइट वॉश हो जाएंगे, इनका मजाक बनेगा, ये हो जाएगा, इंडिया के तो जी 0 रन पे 6 आउट हो गए हैं इंडिया का, तो ये इंडिया ने तो वो मैच जीत लिया था 1.5 दिन में, इंडिया ने तो वो टेस्ट मैच 1.5 दिन में जीत लिया था, आप क्यों नहीं जीत पाए? आप तो 100 पे ऑल आउट हो गए, आज भी 100 125 पे आप ऑल आउट हो गए, आपको तो बेड़ा गर्क कर दिया आपकी क्रिकेट का। हमारी क्रिकेट का लेवल देख लो कि मोहम्मद हफीज जो टेस्ट टीम का डायरेक्टर बना के हमने ऑस्ट्रेलिया भेजा हुआ था, वो आज तक पूरी जिंदगी में आज तक ऑस्ट्रेलिया में एक सिंगल टेस्ट मैच नहीं खेला, उस बंदे ने आज तक ऑस्ट्रेलिया में एक सिंगल टेस्ट मैच नहीं खेला, वो बंदा क्या टीम को गाइड करेगा, मुझे इस बात का आंसर दो। 3-0 से हारे हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन थी कि जी जीत के आएंगे, जीत कभी भी नहीं जीते, आप भी नहीं जीतेंगे शायद, आए तभी कभी, लेकिन तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार। बाकी यही है कि क्या करें, मतलब इंडिया गई थी ऑस्ट्रेलिया खेलने, वो सीरीज कब जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में ये पिछले 2 सालों के अंदर, और वो कैसे जीते हैं कि पिछला जो वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में उसमें जब इंडिया गया है तो इंडिया ने पूरा एक स्टेडियम बुक कर लिया था अपनी प्रैक्टिस के लिए कि यहाँ पे कोई नहीं खेलेगा सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे। जब तक मुल्क नहीं तरक्की करता ना, जब तक थबंटूज नहीं आते तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर